अस्सलाम वालेकुम, K7 मार्केटिंग नेटवर्क के साथ नवाज़िश अब्बास एक नई गाड़ी लेके हाजिर है। पिछली 2014 मॉडल आपको विट्स दिखाई थी, उसके व्यूवर तो बहुत कम थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बहुत जल्दी सेल होगी। तो आप एक पार्टी की दोबारा हमारे पास एक नई गाड़ी आई है, उसका हम आपको रिव्यू करवाते हैं। ये है 2023 मॉडल की वैगनार आर सीरीज़ की है और जापानी मॉडल है। मैं चाबी इसलिए पकड़ के खड़ा हुआ हूँ कि ये ऑटोमेटिक है, पुश टू स्टार्ट है और इसके पास स्मार्ट की है, इसके अंदर भी इनसाइड भी की है। अगर रिमोट की जब बैटरी डाउन हो तो आप दूसरी की यूज़ करके तो उसकी से हेल्प ले सकते हैं। खैर अब चलते हैं, अब इसमें मैं दिखा दूँ। डोर पे आए तो यहाँ पे स्टार्ट में ही आपके पास एक बटन लगा है, बड़ा स्मार्ट बटन है, इसको आप पुश करते हैं तो ये गाड़ी आपकी ओपन हो जाती है। अच्छा, इसके साथ देखा आपने कि इसके साथ दूसरी की का भी ऑप्शन है। अब मैं आपको एक क्विक रिव्यू इसका एक्सटर्नल का करवा देता हूं। अगर टायर से शुरू करें तो 14 इंच का जेन्युइन इसका टायर है और जेन्युइन कप लगा हुआ है। और एक हमें साइड पे थ्रू आउट पूरी गाड़ी के बम्पर के साथ एक बहुत प्यारी शेप नज़र आ रही है, जो कर्व की है, जो इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा कर रही है। इसके बैक पे आएँ तो मैं दिखाऊँ यहाँ पर, एक तो इस गाड़ी में 6 सेंसर हैं, 3 कैमरा हैं, 2 आगे हैं, 1 पीछे है, वाइपर है और इसकी लाइट जो है वो दूसरी वैगनार की लाइट्स जो हमने देखी वो ज़रा ऊपर थी, लेकिन इसकी लाइट्स नीचे हैं। एक लाइट में पार्किंग लाइट, रिवर्स लाइट, बैक लाइट और इंडिकेटर सभी मौजूद हैं। अच्छा जी, पुश टू स्टार्ट है, एक पुश से स्टार्ट हो जाती है। अब हम आपको एक थोड़ा सा इसका इंटरनल का विजिट करवा देते हैं। अच्छा जी, लेदर स्टिच स्टीयरिंग है और मीडिया कंट्रोल सिस्टम भी इस पर इंस्टॉल हुआ है। बाकी एक बहुत बड़ा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जो एसी की ग्रिल हैं वो 4 हैं, जो मल्टीमीडिया है वो 12x6 का है, टच सिस्टम है, एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, बड़ा उसमें व्यू होता है। जो एसी है इसका वो डिजिटल क्लाइम कंट्रोल है और अगर आप इसका एसी किसी एक जगह फिक्स कर देते हैं तो उससे आपकी माइलेज और भी बेहतर हो जाती है। वैसे तो ये 22 किलोमीटर माइलेज देती है गाड़ी में। 6 एयर बैग्स हैं और जो फ्रंट सीट है वो हीटेड है, बाकी जो हैं वो नॉर्मल है, जो है सीट बेल्ट सारे के साथ हैं। रूम बहुत बड़ा है इसका और जो इनर साइड से गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा है। और जो फ्रंट पे सीट पे इस पर भी आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, इसको अगर जो आर्म रेस्टर है, रेस्ट वाला है, इसको अगर मूव कर दें तो एक आदमी आराम से यहाँ पे बैठ सकता है। तो हर हवाले से बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। जो गाड़ी को शौक रखते हैं, जिन्होंने यूज़ करनी होती है, उनके लिए परफेक्ट चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर होती हैं वो ज़रा क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो जाता है उस पर और इतने फ्यूचर फंक्शंस नहीं होते। कीमत तकरीबन यही होती है लेकिन आधे तकरीबन फंक्शंस जो हैं वो उसमें नहीं होते, ना उसमें रडार होता है, ना सेंसर होता है, ना आपकी प्रेशर ब्रेक होती है, ना एयर बैग्स होते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। और अलग से उसमें वो अगर बम्पी रोड आ जाए तो उस पर वो अलग से अपना ही उस डांस शुरू कर देती है, तो इसमें ये सारी चीज़ें से आप बच जाते हैं। और दूसरा जो एक और ख़दशा है या एक बात इसके हवाले से है कि शायद 650 सीसी है, छोटी गाड़ी है, तो एसी इसका जो वो उतना काम नहीं करता होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत एसी बड़ा अच्छा काम करता है। अब 2 दिन से तो हम भी इसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बाहर टेम्परेचर तकरीबन 32 पे है लेकिन अंदर बिल्कुल पुरसकून माहौल में बैठे हुए हैं।